हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4th का 5th पार्ट है, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है। इसके अंदर कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स अगर लेंथ को मैं 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दूं और ब्रेथ को इंक्रीज कर दूं 3 यूनिट्स। अगर मैं लेंथ को 3 यूनिट्स और ब्रेथ को 2 यूनिट्स इंक्रीज करती हूँ तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है। हमें डायमेंशंस निकालनी है रेक्टेंगल के, यानी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। लेंथ को मैंने एक्स यूनिट्स ले लिया, वाई को सॉरी ब्रेथ को वाई यूनिट्स ले लिया, तो एरिया कितना हो गया एक्स वाई। अब वो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि लेंथ को रिड्यूस कर दिया मैंने 5 यूनिट्स, तो एक्स माइनस 5 आ गया। ब्रेथ को इंक्रीज किया 3 यूनिट्स, वाई प्लस 3, तो एरिया हमारा 9 यूनिट्स रिड्यूस हो गया। सॉल्व करा, मेरी एक इक्वेशन बन गई ये वाली। पहले x को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 से, फिर y 5 को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। सिमिलरली सेकंड केस में क्या बोलता है वो, अगर मैंने लेंथ को भी 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ को भी 2 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया, तो एरिया 67 यूनिट्स इंक्रीज हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया, 2x प्लस 3y = 67, मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकेंड इक्वेशन ये थी। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके हम देख रहे हैं किसी के भी कोफिशियंट्स इक्वल नहीं है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से, यानी x के कोफिशियंट इक्वेट करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो मैं देखती हूँ कि x के कोफिशियंट इक्वेट हो गए हैं, साइन चेंज करेंगे कैंसिल आउट हो गया, माइनस 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 प्लस होता है, जैसे कि हमने पहले भी कर रखा है। y की वैल्यू मेरी 9 आ गई, y की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट आउट करी, आप चाहे तो सेकंड में भी कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट आउट करने पर x की वैल्यू 17 आ गई, यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना आया 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ 9 यूनिट्स।